Hello everyone, welcome to my channel. Today I'll tell you the story Daydreams. Daydreams means din mein sapne dekhna. So I request you to watch the video till end. And if you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon for notification. So let's begin the story. Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. Idle talk means gapsap karna aur bekar ki baate karna. So here it is saying that once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. एक बार एक कपल थे जो अपना बहुत सारा समय idle talk गपशप में व्यतीत करते थे. One day the husband said, एक दिन हस्बैंड ने कहा, I have always wanted to keep cows. मैं हमेशा से गाय रखना चाहता था. If by chance, यदि by chance I get some extra money from somewhere, मुझे कुछ पैसा कहीं से मिल जाता है, I am going to buy a few cows. मैं कुछ गायें खरीदूंगा. Husband क्या बोलता है? If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. But that means a lot of work. इसका मतलब बहुत सारा काम. You have to feed the cows. तुम्हें गाय को खिलाना होगा. Walk them. चराने के लिए ले जाना होगा. Bathe them. स्नान करवाना होगा. Milk them. दूध दुहना होगा. Cows need a lot of looking after. Cows को बहुत सारा देखभाल की जरूरत होती है. वन काउ वुड बी इनफ. एक गाय ही पर्याप्त होगा. देयर्स नो नीड टू बाई मोर काउज. ज्यादा काउ खरीदने की जरूरत नहीं है. सेड द वाइफ. वाइफ ने कहा. बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाई मोर. सेड द हस्बैंड. हस्बैंड ने कहा, यदि हम ज्यादा काउ खरीदते हैं तो उससे जो दूध प्राप्त होगा उसके बारे में सोचो. बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क विल गेट इफ वी बाय मोर. सेड द हस्बैंड. दैट्स ट्रू. द वाइफ अग्री. वाइफ सहमत हो गई. उसने क्या सहमत होकर क्या बोली? दैट्स ट्रू. ये तो सही है. वाइफ द वाइफ अग्रीड. देयर विल बी सो मच मिल्क that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. Hamare paas itna milk hoga ki hamare paas plenty of dahi means bahut sara dahi, butter and ghee ho sakta hai. Wouldn't it be lovely? Kitna acha rahega. How lucky that I have all these earthen pots kept aside. अर्थन पॉट्स मीन्स मिट्टी के बर्तन. देन सी सेइंग कि हाउ लकी, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास मिट्टी के बर्तन साइड में रखे हुए हैं. आई यूज वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क, वन फॉर दही, वन फॉर बटर. मैं एक पॉट को मिल्क के लिए, एक को दही के लिए और एक को बटर के लिए यूज करूंगी. द घी आई पुट इन अनदर जार. घी जो है उसको मैं दूसरे जार में रखूंगी. एंड आई यूज दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई डियर सिस्टर. और जो ये रिमेनिंग पॉट है उसका यूज मैं अपनी बहन को दूध भेजने के लिए करूंगी. सेंड मिल्क टू योर सिस्टर. सेंड मिल्क टू योर सिस्टर. अपनी बहन को दूध भेजोगी, मिल्क भेजोगी. हु सेड, किसने कहा? यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर. किसने कहा कि तुम अपनी बहन को मिल्क भेज सकती हो? देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क If we have so many cows. यदि हमारे पास many cows हैं, then हमारे पास plenty of milk means बहुत सारा दूध भी होगा.
Why shouldn't I send it to my sister? क्यों ना मुझे अपनी बहन को भेजना चाहिए? Because we are going to sell it in the market. That's why. क्योंकि हम लोग इसे मार्केट में सेल करेंगे, इसलिए. I'll decide what to do with all that milk. मैं डिसाइड करूंगा कि इस मिल्क के साथ क्या करना है. And not a drop of it goes to your sister. Remember. और एक बूंद भी तुम्हारी बहन को नहीं जाएगा. Remember, याद रखो. I'll see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. मैं देखूंगी कि तुम मुझे कैसे स्टॉप करते हो एक पॉट मिल्क भेजने से मेरी सिस्टर को. आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउज, सो नेचुरली आई विल डिसाइड व्हाट हैपेंस टू द मिल्क. वो कह रही है कि मैं सारा हार्ड वर्क करूंगी काउज के लिए, इसलिए नेचुरली मैं डिसाइड करूंगी कि मिल्क के साथ क्या करना है. Just try stopping me. मुझे रोकने की कोशिश तो करो, the wife exclaimed. वाइफ ने कहा. Is that so? shouted the husband. हस्बैंड ने कहा, ऐसा है क्या? उसने चिल्लाकर कहा. Shouted means चिल्लाकर कहा कि is that so? ऐसा है. Watch this then. तो ये देखो. He began to lift and smash the earthen pots one by one. उसने earthen pots को, मतलब मिट्टी के बर्तन को, एक एक करके उठाया and break करने लगा, smash करने लगा. His wife began to scream. उसकी वाइफ चिल्लाने लगी. गोपाल भंड who was passing by, गोपाल भंड जो उधर से जा रहा था, heard all the commotion and rushed inside. Commotion means disturbance. तो उसने ये सारे commotion को सुना and अंदर की तरफ दौड़ा. When he heard what had happened, he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. उसने जब ये सब सुना तो उसने स्टाउट स्टिक, मींस स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टिक, जो कॉर्नर में खड़ा था, रखा हुआ था, उसे उठाया एंड हवा में घुमाया एंड फ्लोर पर पटका. द हस्बैंड एंड वाइफ वर बोथ स्टाउंटेड टू सी हिज एंटिक्स. स्टाउंट मींस सरप्राइज एंड एंटिक्स मीन्स फुलिश बिहेवियर. ओके, सो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों उसके इस फुलिश बिहेवियर को देखकर सरप्राइज हो गए. व्हाट आर यू डूइंग, दे इंक्वायर्ड. उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? मूव असाइड, सेड गोपाल भंड. गोपाल भंड बोला कि अलग हटो, मूव असाइड. I have to drive away your greedy cows. मुझे तुम्हारे greedy cows को भगाना है. You have let them wander and now they have ruined my field of beans and cucumbers. Cucumbers means काकड़ी. तो वो कहता है कि तुमने अपने गायों को तो ऐसे छोड़ दिया है, अभी वो क्या कर दिए हैं गाय, मेरे क्यूकम्बर्स एंड बीन्स के फील्ड को रुइंड कर दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं. ओह माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड क्यूकम्बर्स. ओ मेरे क्यूकम्बर्स एंड लवली, सॉरी क्यूकम्बर्स एंड बीन्स के लवली फील्ड. बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड क्यूकम्बर्स, सेड द हस्बैंड. हस्बैंड ने कहा, बट किंतु तुम्हारे पास तो क्यूकम्बर्स एंड बीन्स के फील्ड नहीं है. एज सुन एज ही सेड दैट, जैसे ही उसने यह कहा, गोपाल भंड स्टॉप्ड वेल्डिंग द स्टिक एंड लुक्ड
at him with raised eyebrow. उसने जैसे ही ऐसा कहा गोपाल वंड स्टिक को हवा में घुमाना बंद कर दिया एंड विथ रेस्ड आईब्रो मीन्स गुस्से से उसकी तरफ देखा. द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम. हस्बैंड एंड वाइफ समझ गए कि वह क्या कहना चाह रहा था. कैन यू टेल व्हाट ही वॉन्टेड टू से. क्या तुम बता सकते हो कि वह क्या कहना चाहता था. सो हियर आई एम एंडिंग दिस स्टोरी एंड इफ यू फाइंड दैट कि माई स्टोरी इज इंटरेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी.